अच्छा अब आ जाओ लेजर। सबसे पहले लेजर बनाने का असूल ये होता है कि जिसका लेजर बनाना है, हमने कैश का लेजर बनाना है, उसका नाम लिखेंगे। इधर लफ्ज़ डेबिट लिखेंगे, इसने नहीं लिखा लेकिन हम लिखेंगे। इधर लफ्ज़ क्रेडिट लिखेंगे, लिख लिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इसके ऑपोजिट अकाउंट। अकाउंट कौन सा लिखेंगे साथ? जो इसके ऑपोजिट है, जो इसके कैश के ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल कैपिटल। तो अकाउंट। यहाँ पे हमने तीसरे नंबर पे अकाउंट लिखा, दूसरे नंबर पे डेबिट क्रेडिट लिखा, और पहले नंबर पे जिसका अकाउंट, जिसका लेजर बनाना है उसका नाम लिखा, चौथे नंबर पे अमाउंट लिखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अमाउंट कौन सी लिखनी है? जो कैश के अगेंस्ट जितनी अमाउंट लिखी हुई है वो वाली अमाउंट लिखनी है। क्या देख के अमाउंट कौन सी लिखनी है? जो जिसका हम लेजर बना रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट लिखी हुई है वो वाली लिखनी है। ये देखें, ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली आपने लिखनी है। यहाँ समझ आ गई? यस मैं यस सर। आपको दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले जिसका लेजर बनाना है उसका नाम, फिर इधर डेबिट, दूसरे नंबर क्रेडिट। आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके ऑपोजिट जो अकाउंट है वो लिखना है, और कैश के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है वो लिखनी है। जिसका लेजर बना रहे हैं उसके सामने जो अमाउंट है वो लिखनी है, ये याद रखना। ठीक हो गया। सही होगा सर। अब हम बनाने लगे हैं कैपिटल का लेजर। तो ये देखिए, हमने कैपिटल का नाम लिखा, इधर डेबिट लिखा, इधर क्रेडिट लिखा। अब कैपिटल क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड को टिक कर लेना है आपने। इधर ये है उसको टिक कर लेना है, और लिखना उसके ऑपोजिट अकाउंट है जो कि कौन सा है? कैश। जो क्या है? कैश। और अमाउंट कौन सी लिखनी है? सर अमाउंट जो कैपिटल के सामने है वो लिखनी है। तो ये पांच स्टेप्स में मैंने आपको बताया है, शायद आपने मुझे पांचों स्टेप रिवाइज करवाने हैं। जिसका लेजर बनाना है उसका नाम, सही है सर। इधर आपने बताना है मुझे डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं, लिख लिया। फिर दो नंबर, तीसरे नंबर पे मैंने कहा क्या बताया कि क्रेडिट साइड को टिक करना है क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कैपिटल के जो ऑपोजिट अकाउंट है वो लिखना है आपने, वो कैश अकाउंट है। और पांचवे नंबर पे यहाँ पे जो अमाउंट लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? जो कैपिटल के सामने लिखी हुई है। समझ आ गई? ये पांचों चीजें यस मुझे करो, सर। लेजर बनाने के पांचों असूल मुझे रिपीट करो। सर मैं आगे लेजर में आप बताता हूँ। सबसे पहले दो साइडें होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट साइड। जो हम अकाउंट बना रहे होते हैं, अगर वो डेबिट है तो जिसकी वजह से वो डेबिट हुए वो उसकी अमाउंट हम लिख लेंगे, सॉरी उसका नाम लिख लेंगे। और जो अमाउंट आएगी वो अगर कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जैसे कैपिटल मिनट, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। पता है क्या करना है आपने? ये इस साइड पे ना अमाउंट आपने चेंज कर देंगे। अमाउंट पता है क्या लिखनी है आपने? अमाउंट आपने लिखनी है 2,50,000। साथ यार कनेक्शन का इशू है। अच्छा साथ मैं आपको क्या बता रहा था कि बड़ी साइड जो होगी उधर आपने, जब कंपाउंड एंट्री होगी ना, तो आपने अमाउंट को दो उतने हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। साथ मैंने इस अमाउंट को दो जी हिस्सों में सर। तोड़ दिया, किस सही हो किस में? 250 प्लस और 170। मैंने इसको यस जानबूझ के दो हिस्सों में तोड़ दिया। इन दोनों को ऐड करो तो क्या ये 420 बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहे। अब इसको खत्म कर दो। ऐसे ही मैंने फिलहाल खत्म कर दो। अब पहला लेजर किसका बनेगा साहब? सर पहला बनेगा इन्वेंट्री का। पहला उसका नाम लिखा, डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, साइड को सिलेक्ट किया, डेबिट साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि इन्वेंट्री के ऑपोजिट कितने अकाउंट लिखे हुए हैं साहब? दो अकाउंट, दोनों को उठा के कैश लिख, अकाउंट और अकाउंट्स पेएबल। दोनों को लिख दो। लिख दिया साथ, दोनों को लिख दिया, कैश भी और अकाउंट यस दोनों को लिख दिया। लिख अब इसके सामने लिख अमाउंट का सवाल पैदा होता है। सर देखे ना, ये आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है ना, कैश के सामने जी जी 150 लिखे और दूसरे के सामने 170 लिखे। ये मैंने अमाउंट ये वाली नहीं लिखी साहब,
मैंने ये जो इसको दो हिस्सों में जो तोड़ा था ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ा था, वो वाली मैंने उठा के लिखी 250 पहले के सामने, 170 दूसरे के सामने। मैंने ये वाली अमाउंट नहीं लिखी, मैंने साथ ये वाली अमाउंट नहीं लिखी। मैंने ये जो 420 था ना, 420 को, 420 को मैंने याद है दो हिस्सों में तोड़ा है, 250 और 170। तो मैंने ये वाला 250 इधर लिखा है और ये वाला 170 यहाँ, ये वाले नहीं लिखे। ये देखो मैंने इन पे क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेजर आप मुझे बनवाओ, नेक्स्ट लेजर किसका बनाना है सर? नेक्स्ट बनाना है कैरिज एक्सपेंस अकाउंट का, कैश का ना यार। ये देखो ना इन्वेंटरी के बाद साथ कैश है, इसी ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। आप बताओ किसका लेजर बनाना है सर? कैश का, कैश का नाम लिखा, कैश का नाम लिखा, डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, बताओ इसकी साइड कौन सी है सर? कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट को मुझे इन्वेंटरी, क्रेडिट ना इन्वेंटरी को छोड़ो। ये देखो मैंने कैश को, ये क्रेडिट को मैंने टिक कर लिया। अब यहाँ लिखना क्या, कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी लिखना है। अब अमाउंट कौन सी लिखनी है जो किसके सामने लिखी हुई है? कैश के सामने, कैश के सामने। तो कैश के सामने कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 2 लाख सर। ये तो इधर 2 इधर मिसिंग है, हाँ ये गलत लिखा है, 2,50,000। ठीक है बेटा, मिसिंग मिसिंग। तो अब ये पांचों स्टेप पूरे हो गए साथ, ठीक हो गया। यस सर। नेक्स्ट, अब मुझे नेक्स्ट लेजर बनवाओ, लेकिन स्टेप बोलने हैं पहले। पहला स्टेप क्या होगा सर? उसका नाम लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट। तीसरा स्टेप क्या होगा? उसकी साइड टिक करवाओ, अकाउंट पेबल किस साइड पे? साइड एंड ये सर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड मैंने टिक कर ली। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या होता है? उसके ऑपोजिट अकाउंट लिखना। अकाउंट पेबल के ऑपोजिट कौन सा, कौन सा अकाउंट है अकाउंट पेबल के ऑपोजिट? सर इसमें भी इन्वेंटरी अकाउंट आ रहा है। जबरदस्त, ये मैंने इन्वेंटरी लिख लिया चौथा। और अकाउंट पेबल के सामने अमाउंट कितनी है? 1,70,000 वो लिख ली, समझ गए हो। और एंट्री बैलेंस, बैलेंस बाद में करते रहेंगे बेटा। ये नेक्स्ट एंट्री आसान है, आप कर लोगे। ये वाली मैं करवाने लगा, ये करवा के बाकी आपके जिम्मे लगाऊंगा, क्योंकि एक एक एंट्री को पुट करना मुश्किल होता है। बात होती है कॉन्सेप्ट देना, वो मैंने आपको दे दिया। मैंने बेटे कंपाउंड एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट बताया था सर? आपने कहा था जब भी कंपाउंड एंट्री आएगी तो उसको दो हिस्सों में तोड़ लेना है, बड़ी साइड को, ठीक है। ये देखो ये 130 है ना, 130 को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, 60 और 70। सर आपके जहन में ये कहाँ से आ जाते हैं दोनों? यार मैं ऊपर से देख के लिख लेता हूँ और मेरे जहन में कहाँ से आते हैं। ये देखो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, 130 को, एक 60 और एक 70, दो हिस्सों में टूट गया, ठीक हो गया। अब सबसे पहले किसका लेजर बनाना है साथ? फर्नीचर अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट का, ठीक है। अब मैं आता हूँ फर्नीचर पे, स्पेनर ले आए, ये देखो यहाँ आ जाते हैं, सेम वही चीज है। ये देखो फर्नीचर, ये दरमियान में पहला स्टेप नाम लिखा, दूसरा स्टेप डेबिट क्रेडिट लिखा, ये डेबिट हो रहा है, तो तीसरा स्टेप टिक कर ली साइड। फर्नीचर के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट, कैश लिखा, तो यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया। और अमाउंट फर्नीचर के सामने कितनी लिखी हुई है? 60,000, ये 60,000 अमाउंट। फिर बेटा कंप्यूटर आ गया सर, कंप्यूटर ये लिखें, उसकी बेटा डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, साइड डेबिट टिक की, और फर्नीचर के ऑपोजिट कैश लिखा हुआ है, यहाँ कैश लिखा, कंप्यूटर के सामने कैश लिखा, और बेटा कंप्यूटर के सामने अमाउंट कितनी है? 70,000। चलो अब हम चलते हैं आगे। लास्ट लेजर, लास्ट लेजर इसका कौन सा है साथ? सर लास्ट है इसका सर, कैश का। लास्ट लेजर क्या है? कैश का। साथ आप मुझे ये बताओ, ये मैंने कैश का नाम लिखा, ये डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, कैश की साइड को टिक किया। अब मुझे ये बताओ कैश के ऑपोजिट कितने अकाउंट है? दो अकाउंट है सर, फर्नीचर अकाउंट और कंप्यूटर का अकाउंट, दोनों लिख लिए। अब अमाउंट कौन सी लिखनी है जो कैश के सामने है? कैश के सामने कौन सी अमाउंट है?
68 कैश के सामने, 78 कैश के सामने कितनी अमाउंट है, 68 और 78, तो 60 भी मैंने लिख लिया और 70 भी लिख, मिलके 130 बन। अमाउंट तो हमने कैश की लिखनी है ना, डायरेक्ट 130 लिख सकते हैं ना? कैसे लिखोगे सर, वो तो हमने जब इनके बनाए थे अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। नहीं ना, मेरी बात सुनो, आप मुझे लिखवाओ कैश के, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने फर्नीचर लिखा है और मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटर लिखा है, लिख दिया, दोनों लिख दिया। अब मुझे ये बताओ 130 किसके सामने लिखूं, फर्नीचर के सामने लिखूं या कंप्यूटर के सामने लिखूं? सर इनको दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखूं। ये तभी मैंने डिवाइड किया था, समझ आ गई कि मैंने उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी और कोई कंपाउंड एंट्री है तो सही ये वाली, लेकिन इसको अब आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। बाहर क्या बड़ी, जब सारा इनपुट हो जाएगा साथ, बड़ी साइड को ऐड करना है, छोटी साइड को माइनस करना है, ये बैलेंस निकल आएगा। बेटे इसमें बड़ी साइड ये है, छोटी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये बैलेंस निकल आएगा। बड़ी साइड को ऐड करना है, छोटी साइड को माइनस करना है, ये बैलेंस निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे अकाउंट्स के साथ क्या निकलते जाएंगे, बैलेंस निकलते जाएंगे। ये देखो ये बड़ी साइड है, इसको ऐड किया, ये इधर है ही कुछ नहीं, तो ये बैलेंस बन जाएगा। ये बड़ी साइड है, इधर है ही कुछ नहीं, यही बैलेंस बन जाए। अब आपने क्या करना है, ये सारे बैलेंसेस जो हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। आप जाके देखें ना, सबसे पहले कैश का बैलेंस, ये देखें ये कैश का बैलेंस है, फिर ये कैपिटल है तो ये कैपिटल का बैलेंस है, फिर ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री का बैलेंस है। बेशक इसको बोल्ड करके लिख लेना, तो मैंने कैश लिखा, देखो इधर बैलेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो लेजर में ऑपोजिट लिखना है, इधर अगर बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो लेजर में ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखना है। यहाँ पे कैश का नाम लिखा, वहां क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा था, इधर डेबिट में लिखना है। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ऊपर जाके देख लेना, डेबिट में आ रहा था क्रेडिट में लिखना है। इन्वेंट्री का क्रेडिट में आ रहा था, डेबिट में लिखना है। अकाउंट पेबल ऊपर डेबिट में आ रहा था, इधर क्रेडिट में लिखना है। सारे क्लोजिंग बैलेंस लिख लेने हैं। मैं यहाँ पे लास्ट आपको वैसे ये दो बता देता हूँ, ड्राइंग्स और कौन से मुझे नजर आ रहे हैं, रेंट और ड्राइंग्स का। ये देखिए ना, ड्राइंग्स का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ नजर आ रहा है सर, क्रेडिट में नजर आ रहा है, इधर डेबिट में आएगा। इधर कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। इधर इधर कहाँ आएगा, डेबिट। रेंट जो इनकम है, रेंटल इनकम, आप इसका क्लोजिंग बैलेंस देखें तो इधर डेबिट में नजर आ रहा है, इधर हम क्रेडिट में लिखेंगे, रेंटल इनकम को क्रेडिट में। अब हम क्या करेंगे, इन सब को करेंगे ऐड, इन सब को ऐड, तो ये इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आज मैंने आपको जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस समझा दिया, अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 प्रैक्टिस कर लेना, मुझे चेक करवा देना, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बता दूंगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है।